मेरा नाम है ऋतिक और आप सबका स्वागत है आपके चैनल लर्न विद मास्टर में। तो आप सबको याद होगा हमने पिछली वाली वीडियो में एक खतरनाक सा क्रोकोडाइल बनाया था, तो आज हम बनाने वाले हैं एक स्वीट सी बटरफ्लाई। तो इसके लिए आपको चाहिए एक फेविस ग्लू स्टिक और एक सेलो टेप और एक पेंसिल और एक सीजर और कुछ कैप्स और एक पेन और आपको चाहिए ओरिगेमी शीट और ग्लिटर शीट और एक पेस्टल शीट। आप इन शीट्स को अपने पसंद के कलर्स में ले सकते हैं। स्टेप नंबर वन, हम इसके विंग्स बनाएंगे। पहले हम इसको अच्छे से एकदम अच्छे से फोल्ड कर देंगे। और अभी हमें पेंसिल से उसकी विंग्स की शेप ड्रॉ करनी है। आप बैंगल की मदद भी ले सकते हैं। ओह नो, ये तो गलत पॉइंट है। अभी कुछ फिर से बनाना पड़ेगा। तो ये कुछ ऐसे मैंने इस बटरफ्लाई की विंग्स की शेप बना दी है। आप भी कुछ ऐसे ही अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अभी है हमारी इसको कट करने की बारी। ध्यान से कहीं आपकी उंगली ना कट जाए और हमको इन दोनों को काटना है एक साथ। अच्छे से काटिएगा और ध्यान से काटिएगा। या फिर आप अपने मम्मी या फिर अपने पापा की हेल्प भी ले सकते हैं इसको बनाने के लिए। और आप इस बटरफ्लाई को अपने घर में सजा भी सकते हैं। काटा
और कट करने के बाद ये कुछ ऐसा है। स्टेप नंबर टू, हमको बटरफ्लाई की बॉडी बनानी है हमारी ओरिगेमी शीट से। तो हम इसको कुछ ऐसे रोल कर के कट करेंगे। तो चलिए कट कर लेते हैं। वैसे ध्यान से करिएगा, इसमें भी आपकी फिंगर कट सकती है, इसलिए मैं थोड़ा सीजर से दूर होकर ही कर रहा हूँ। तो ये रहा बॉडी का पूरा बेस जो मेरे को लगता है, पर ये कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कट कर देता हूँ। मैंने इसको कट कर लिया है, तो अभी हम इसका रोल बना लेते हैं ताकि वो हम इधर चिपका सकें। तो इसमें हमको फेविस्टिक चाहिए इसको स्टिक करने के लिए। तो हम इसमें ऐसे कुछ लगा देंगे और हम थोड़ा सा बाहर भी लगा देंगे थोड़ा सा बस। और चलिए इसको पेस्ट करते हैं। इसको पहले रोल कर लेते हैं ऐसे। तो ये कुछ ऐसा बन चुका है। तो चलो अभी इसको इधर स्टिक कर लेते हैं फेविस्टिक की मदद से। ये मैंने इसको स्टिक कर दिया है, आप भी एकदम अच्छे से स्टिक करिएगा। और आपको सीजर चाहिए और फिर आपको थोड़ा सा बस थोड़ा सा इसको कट करना है थोड़ा सा ऊपर से। तो चलिए ये कुछ ऐसे बन चुका है। अब मैं फेस बनाऊंगा इधर चिपकाने के लिए, वो मैं इस बची हुई शीट से बनाऊंगा। तो आप इसको अपनी इस कैप की मदद से भी काट सकते हैं। सीजर पहले शायद से हमको ये इसको ड्रॉ कर देना चाहिए। तो मैंने सर्कल ड्रॉ कर लिया है, अभी मैं इस सर्कल को कट कर देता हूँ। लाइंस अगर उधर होंगी तो उनको कट कर लेना। और मैंने जो सारी लाइंस थी उसको कट कर लिया और ये कुछ ऐसा लग रहा है। और अभी आप अपने फेवरेट या फिर आप जो भी कलर से करना है आप इसमें स्माइली और आइज बना दीजिए। स्माइली मैं स्माइली रेड कलर से बना रहा हूँ। मैंने स्माइली बना लिया है, अभी मैं
फ्राइज बनाता हूँ। अभी हम इसको बटरफ्लाई की बॉडी के पास स्टिक कर देंगे। स्टेप नंबर 3, हम अपनी बटरफ्लाई के एंटीनास बनाएंगे। तो मैंने एंटीनास बनाने के लिए ओरिगेमी शीट ली है। इसकी हम पतली पतली स्ट्रिप्स काट लेंगे। फिर उन स्ट्रिप्स को पेंसिल की मदद से कर्ल करेंगे ताकि वो एकदम स्ट्रेट ना रहे। चलो मैंने इसको बना दिया है। देखिए मैंने इन दो एंटीनास को बना दिया है और अभी हम इनको पेंसिल की मदद से कर्ल करेंगे। आपको पूरे की पूरी कर्ल नहीं करनी है, आपको बस यहाँ तक लेके जानी है और यहाँ तक कर्ल कर लेनी है। और अभी मैं दूसरी भी कर्ल कर रहा हूँ। अब हम इसको बटरफ्लाई पे टेस्ट करेंगे। तो ये रही हमारी बटरफ्लाई और ये रही हमारी फेविस्टिक। और ये हमने फेविस्टिक को ऊपर करा और हमने फेविस्टिक लगाई और फिर हमने इसको पेस्ट कर दिया। नेक्स्ट स्टेप, हमको अपनी बटरफ्लाई को डेकोरेट करना है इस ग्लिटर शीट से। हमको इस ग्लिटर शीट के 6 सर्कल्स बनाने हैं। तो हम पहले ग्लिटर शीट को फोल्ड कर देंगे और फिर हम किसी भी राउंड चीज से, मैंने ये लिया है, हम किसी भी राउंड से इस सर्कल को ड्रॉ करेंगे। तो चलिए हम ड्रॉ करते हैं। फिर हम इसको सीजर से कट कर लेंगे। मैंने कुछ शेप्स पहले से कट करके रखी है। ये देखिए। अब हम इन शेप्स को पेस्ट करेंगे। हमको साइज देख के सारी की सारी ग्लिटर शीट्स के सर्कल्स बनाने हैं। जैसे कि मैंने किया है, मैंने सबसे बड़े वाले में बड़ा किया है, सबसे छोटे वाले में सबसे छोटा किया है और मीडियम वाले में मैंने मीडियम किया है और ये मैंने लास्ट वाला भी लगा दिया है।
और मैंने कुछ ये येलो शेप्स कट करी हैं, जिनको मैं इनके ऊपर लगाऊंगा। तो चलो मैं इनको भी लगा देता हूँ। ये मैंने लगाया है यहाँ पर और ये मैंने लगाया है यहाँ पर और ये भी है, ये मैं मीडियम वाले पे लगाऊंगा। ये मैंने लगाया है यहाँ पर मैंने सबसे छोटे वालों में नहीं लगाए क्योंकि वो बहुत छोटे हैं। आप इसको और ब्यूटीफुल बनाने के लिए पैटर्न बना सकते हैं। आउटलाइन करके आपकी बटरफ्लाई कुछ ऐसी दिखेगी। आपको ये बटरफ्लाई कैसी लगी प्लीज मुझे कमेंट्स में बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आपको फ्यूचर में और कौन सी वीडियोस चाहिए। और प्लीज अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें, क्योंकि जितना आप शेयर करेंगे उतने लोगों के पास पहुंचेगा और वो भी इसको बनाना सीख जाएंगे। बाय।